मुझे गर्व है भारत पर और भारत के आयुर्वेद पर। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जहां एक आयुर्वेदिक तत्व जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि यूज कर रहे हैं, कैसे आप उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। अगर आप मुझे जानते हैं, आप जानते हैं दैट आई एम द फाउंडर नुस्के बाय पारस, इंडिया का एक ऐसा आयुर्वेदिक ब्रांड जहां पर हम आपको स्किन केयर भी देते हैं, हेल्थ केयर भी देते हैं और आपको अंदर से बाहर तक ताकतवर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज 10 या 12 दिन के लिए एक चम्मच हल्दी एक ग्लास पानी में पिए तो उसके आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे लाभदायक चीजें होती है। सबसे पहली चीज, जब आप हल्दी का पानी पीने लग जाते हैं आपका जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। काफी जो वेस्टर्न मेडिसिन हैं जिनमें ऐसे ऐसे तत्व हैं जिनसे डिप्रेशन को फाइट किया जाता है वो पाया जाता है हल्दी में, क्योंकि हल्दी में होता है कर्क्यूमिन और कर्क्यूमिन आपके बॉडी में जो ज्यादा अब्जॉर्ब होता है तो डोपामिन और सेरोटोनिन जो बेसिकली आपके मूड लेवल हॉर्मोन्स है उनको ज्यादा रेगुलेट करता है। जिसका मतलब ये कि जब आप 10 या 12 दिन के लिए हल्दी लेने लग जाते हैं रोज, आपका जो मूड है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा और एंग्जायटी स्ट्रेस और डिप्रेशन चला जाएगा। और खासकर ये इस समय पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज हमारी रोज की जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा एंग्जायटी है, कहीं हमको पैसे की टेंशन है, कहीं हमको काम की टेंशन है, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप सुबह जब उठते हैं या शाम को सोने से पहले एक गर्म ग्लास पानी का ले लीजिए, उसमें एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए और उसको पी लीजिए। दूसरी चीज, जब आप कर्क्यूमिन यानी कि हल्दी का सेवन रोज करते हैं आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज होती है विच इज मिराकुलस और वो है वेट लॉस। वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो हम सब चाहते हैं। पिछले आपने अगर मेरे अकाउंट को पिछले 15-20 दिन से फॉलो किया होगा, आप ये जानते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 7 kg लूज कर दिया है 16 दिन में। इनमें मैंने वाटर फास्टिंग की है जिसका मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, इसमें मैंने नो शुगर किया है एज अ चैलेंज फॉर 30 days, उसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और मैं आपको जो तीसरी चीज बताना चाहता हूं वो है हल्दी का सेवन। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको कब्ज की बीमारी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर आप बाथरूम रेगुलरली नहीं जाते हैं, जब आप हल्दी लेने लग जाएंगे 7 या 8 दिनों के लिए आपको इसमें बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है यानी कि IBS है तो आप हल्दी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पारस का नुस्खा है, कर्क्यूमिन जो कि हल्दी में होता है वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, पर उसकी अब्सॉर्प्शन को बेटर करने के लिए आपको चाहिए होता है पिपरीन जो कि काली मिर्ची में होता है। आप एक ग्लास या तो गर्म पानी में या दूध में थोड़ी सी हल्दी यानी कि एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए और 5 या 6 दाने काली मिर्ची के कूट कर डाल दीजिए। जब आप कर्क्यूमिन और पिपरीन साथ में लेते हैं 7 या 8 दिनों के बाद आप रियलाइज करेंगे जब आप बाथरूम जाते हैं आपका पेट ज्यादा साफ हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है आपके गैस्ट्रोएंटाइटिस के लिए, आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, आपके कब्ज के लिए और आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप जब 6 या 7 दिन के लिए ये मिश्रण लेते हैं कर्क्यूमिन और पिपरीन यानी कि हल्दी और काली मिर्ची का, आपका पेट बहुत ही ज्यादा साफ हो जाएगा। उसकी वजह से क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका गट ठीक हो जाएगा, आपके गट पर बैक्टीरिया हेल्दी हो जाएगा, आप वेट लॉस भी करने लग जाएंगे। जो तीसरी चीज है जिसमें आपको हल्दी बहुत ज्यादा मदद करती है वो ये है कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और ये कैंसर सेल्स को फाइट करती है। ये दोनों चीजें आपस में तो लिंक नहीं है, पर ये हमें पता है कि जो ओबेसिटी और कैंसर का लिंक है वो बहुत ही अहम लिंक है। हल्दी में ऐसी ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो कर्क्यूमिन भी है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फैट सेल्स को ग्रो होने से रोकती हैं और आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनको ग्रो होने से रोकती है। जिसका मतलब ये है कि क्लिनिकल स्टडीज में अब पाया गया है, कैंसर रिसर्च में अब पाया गया है, जो हल्दी है यानी कि कर्क्यूमिन वो आपके कैंसर को काफ़ी हद तक दूर रखने में मदद करती है। और कैंसर जो कि ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है, जिसको हो भी जाए ठीक हो जाए फिर भी वापस आ जाता है, जो इतने सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं और हर साल मर जाते हैं, ये छोटी सी चीज़ अगर आप करें तो कैंसर काफ़ी हद तक आप दूर रख सकते हैं। एक आयुर्वेदिक तत्व और इसके इतने सारे गुण, और इन गुणों में से जो अगला गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस समय के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, वो है कि हल्दी यानी कि कर्क्यूमिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोल्ड को फाइट करता है, फ्लू को फाइट करता है। हल्दी में होता है कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। जब आप रोज़ हल्दी का सेवन करते हैं किसी भी प्रकार में, या तो अपने खाने में, या एक चम्मच हल्दी जो आप या तो दूध के साथ लेते हैं या पानी के साथ लेते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। नुस्के बाय पारस की रेंज में हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए, उनमें से एक है हमारा नुस्के बाय पारस का मल्टीविटामिन जिसमें है काफी आयुर्वेदिक तत्व यानी कि शंख भस्म, अल्फा अल्फा, दूसा, तपसगिरी, जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका मिलना ऐसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नुस्के बाय पारस की आयुर्वेदिक रेंज में कैल्शियम भी है, ओमेगा 369 भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है और मल्टीविटामिन भी है, जो सब आयुर्वेदिक और वेजिटेरियन है। और हमने सिर्फ इसीलिए बनाए हैं कि रोज ऐसे सारे तत्व मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और हम चाहते हैं कि ये सारी जड़ी बूटियां आपको मिल पाए। ये सारे नुस्के बाय पारस .com पर भी अवेलेबल है और Amazon पे भी अवेलेबल है।
और जो आखिरी फायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्दी का, वो है आपका ब्लड प्रेशर। हल्दी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को लो भी करता है और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है, जिसका मतलब ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आपको जो ब्लड प्रेशर की बीमारी शायद आगे जाके हो सकती है उसको काफ़ी हद तक रोकता है। अगर आपको ऑलरेडी बीपी का इशू है, हाई या लो, उसमें आप ये देखेंगे कि हल्दी के सेवन से आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक रेगुलेट होने लग जाता है। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि भारत कितना महान है और भारत में जो इतनी जड़ी बूटियां हैं जो सदियों से हमारे ऋषि मुनि इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें इतनी खूबसूरती है और इतने सारे ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और ये सब हमारे घर पे इतने आसानी से मिल जाते हैं। मैं अपने सारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको आयुर्वेदा के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सस्ते में घर पर कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ही तंदुरुस्त रहें और आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन हमेशा अच्छा रहे। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया ऑलरेडी। आई होप आप हेल्दी रहें, आई होप आप हमेशा हैप्पी रहें, एंड आई होप यू हैव एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। नमस्ते एंड बिग पुच्ची।